अस्सलाम वालेकुम, आज हम सीख रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर में लेयर्स के बारे में और ये देखेंगे कि लेयर्स को हम कहां से और किस तरह से प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। तो लेयर्स जैसे आपने देखा कि मैंने विंडोज में जाके लेयर्स को यहां से एक्टिवेट कर लिया इसके पैनल को और इसको यहां मैं सेट कर लेता हूं। इसकी सेटिंग यहां पे करने के बाद आपको यहां पे बाय डिफॉल्ट लेयर 1 नजर आएगा जो कि आर्टबोर्ड का डिफॉल्ट लेयर है। फोटोशॉप में जिस तरह हम लेयर्स को यूज करते थे वैसे इसका काम है। आप जैसे यहां क्लिक करेंगे तो लेयर्स के अंदर पाथ और लेयर्स लिखा हुआ आ रहा है। जितने ऑब्जेक्ट आप इसके ऊपर क्रिएट करते जाएंगे, जितने पास बनाते जाएंगे, उतने के उतने लेयर्स इसके अंदर कन्वर्ट होते चले जाएंगे और क्रिएट होते चले जाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि लेयर्स का इक्वलाइजेशन कैसे करें प्रॉपरली। बाकी बात क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हमें मैनेज करना होता है तो उसके लिए हम लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी एक लेयर वन है, ये बनी है, इसको अगर आप पहले तो दो चार चीजें देखिए, जैसे कि अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं लॉक कर दे तो इसके ऊपर कोई एडिटिंग नहीं हो सकती, मतलब अपना कोई चीज ड्रॉ हो सकती है ना कुछ भी हो सकता है क्योंकि लेयर वन आपने लॉक कर दिया। अनलॉक कर ले, इसी तरह से आप इस पर क्लिक कर देते तो ये इसका आउटलाइन मोड भी है और यहाँ से ये सिलेक्शन मोड भी एक्टिवेट होता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, अब ये ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया है इसके अंदर ब्लैक कलर फिल हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ से जाके कलर फिल करता हूँ शिफ्ट के साथ ये वाला और मैं यहाँ से विजिबल पे चेक हटा देता हूँ तो अब ये इनविजिबल हो गया, मौजूद है लेकिन इनविजिबल हो गया, क्लिक करने पर विजिबल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ क्लिक करता हूँ तो लॉक हो जाएगा। इसी तरह यहाँ क्लिक करता हूँ और यह कह रहा है क्लिक टू टारगेट ड्रैग टू मूव अपीयर, तो ये देखिए पूरा का पूरा लेयर सिलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे लेयर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे सिलेक्ट होकर उनको एक साथ मूव किया जा सकता है। मतलब अगर आप इसको ऐसे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं इससे बजाय कि यहाँ क्लिक करना है पूरा का पूरा लेयर सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इस पर क्लिक करके हटाएंगे तो सिलेक्शन खत्म हो जाएगा और अगर आप यहाँ पर से इसका कलर वगैरह भी चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप यहाँ से इसको क्लिक हटा के और यहाँ पर इस आग के ऊपर कंट्रोल का बटन दबा के क्लिक करेंगे तो उसका आउटलाइन मोड एक्टिवेट हो जाएगा। आउटलाइन मोड में क्या होता है कि कलर के शेड के अंदर कुछ नजर नहीं आएगा लेकिन कलर उसके अंदर मौजूद है और दोबारा इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। अब इस पर करना यह है कि आप इसके अंदर पहले जो भी काम करना चाह रहे हैं, सपोज सुबह इस लेयर का नाम आपने रख दिया बैकग्राउंड, ये आपकी बैकग्राउंड लेयर हो गई और इस पर से आपने जो भी शेड वेट खत्म कर दिए और इसको कर दिया आपने लॉक। इसके अलावा जितनी लेयर सेट करा रहे हैं सब लेयर पे आप काम करें और उसको यूजली मैनेज करते रहे। जैसे कि अगर मैं इस पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूं और इस पर मैंने क्लिक किया और यहां से एक अंदर रेक्टेंगल मैंने क्रिएट कर लिया। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया तो उसके अंदर कलर फिल है येलो, येलो कलर रहने देते। अब इसके दूसरी लेयर में क्लिक करके इसको लॉक कर दे और दूसरी लॉक लेयर में क्लिक करके मैंने इसके अंदर सपोज भी कोई एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्रिएट कर लिया और उसको क्लिक करके यहाँ से यहाँ मूव कर लिया और उसको रख के मैंने यहाँ से इसके अंदर कलर भर दिया जैसे कि ये वाला। अच्छा, इसके साथ इसको भी लॉक कर दिया, इस पर क्लिक करके आपने इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। समटाइम्स क्या होता है ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप कर जाते हैं इस तरह से एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है इस तरह से करने में, जैसे कि अगर आपके पास ये भी लेयर लॉक है, तीनों लेयर्स लॉक है, तो अब आप किसी को चेंज नहीं कर सकते वो भी देख सकते। बट अगर आपको अभी पीछे वाला सर्किल ये वाला ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो आप जैसे इस पर क्लिक करें अनलॉक कर ले और अब आप इजीली इसके ऊपर काम कर सकते हैं बगैर किसी रुकावट के। इसके पॉइंट्स को इजीली एडिट कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से मैंने इस पॉइंट को पकड़ा और इतनी इजीली इसके अंदर से बाहर ले आया और यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ से इसके बाहर ले आया और यहाँ से दोनों पॉइंट्स को देखिए बड़े मजे से सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसको इसके नीचे ला रहा हूँ, इन वाले ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और यहाँ से क्लिक करके इसको अंदर ला रहा हूँ कोई उस ऑब्जेक्ट पे कलर नहीं फर्क पड़ रहा। तो ये सबसे बड़ा कमाल है लेयर्स का। इसके अलावा हर चीज को आप अलग अलग मैनेज कर सकते हैं। फिल वक्त अगर आप थोड़ी देर पीछे वाले ऑब्जेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो आगे वाले ऑब्जेक्ट को डिसअपीयर कर दें, उसका अनलॉक करके इसके ऊपर बड़े आराम से जो चाहे आप काम कर सकते हैं और इसमें आपको कोई कबाहत भी नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। ठीक है, ये देखिए, और उसके बाद जब काम हो जाए तो उसको अनलॉक करके दोबारा से इसको जो है अपीयर करा ले, तो जब इसको आप अपीयर कराएंगे तो वो ऑब्जेक्ट इसके आगे ही आ जाएगा। तो ये बड़ा कमाल है लेयर्स का और हर चीज को जब आप लेयर पे मैनेज करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट्स बड़े आराम से क्रिएट होते चले जाएंगे और आपको कोई और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसी तरीके से आप अगर किसी लेयर को डिलीट करना चाहते हैं तो बहुत आसानी है, डिलीट कर दे और उसको यस करते हैं वो लेयर डिलीट हो जाएगी, अंडू करेंगे वापस आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ क्लिक करके यहाँ से देखें क्रिएट अ न्यू सब लेयर, उसके अंदर एक सब लेयर बनाना चाहते हैं। सब लेयर का कॉन्सेप्ट ये है कि मिसाल के तौर पर मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल इन चारों को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से अनलॉक करके डिलीट कर दिया और लेयर्स को भी ऐसा ऐसा करके मैंने इसको डिलीट कर दिया। आप मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल ये लेके रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल बनाना है, मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लिया इसको इस तरह से और इसको भी गलत फिल है तो अगर आप इस पर राइट बटन दबा के यहाँ पर एक और सब लेयर लेते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ राइट बटन दबाया और यहाँ से एक सब लेयर ले लेते हैं तो वो लेयर इसके अंदर एड हो जाएगी। ठीक है, वो इसकी सब लेयर होगी और उस पर क्लिक करके आप यहाँ से जो है
एक अलग अलग जो है इसके शेप क्रिएट कर ले। फॉर एग्जाम्पल आपने इसके ऊपर ये भी क्रिएट कर लिया और यहाँ से आपने इसके तरीके अलग फिल कर दिया, तो अब क्या होगा कि ये लेयर दोनों लेयर्स यानी कि ये इसी के अंदर है, आप जब इसको अलॉक करेंगे तो दोनों के दोनों लॉक हो गए। और अगर आप इसके अंदर जाके ये देखेंगे तो ये एक अलग सब लेयर के ऊपर है और ये एक अलग सब लेयर के ऊपर है। तो अगर आप इसको इनविजिबल करेंगे तो इनविजिबल हो जाएगा, और अगर इसको इनविजिबल करेंगे तो इनविजिबल हो जाएगा, इनविजिबल भी हो जाएगा। इसी तरीके से इस पे क्लिक करके इनविजिबल इनविजिबल कर सकते हैं कि एक और पॉइंट है जो उसके अंदर बना हुआ जो कि इस लेयर का रहता है उसको डिलीट कर दो। ठीक है, इसमें से किसी को लॉक करना है उसको लॉक कर दे और जिसको विजिबल कराना है विजिबल कर ले। अब आप उसके ऊपर बड़े आराम से काम कर सकते हैं बगैर इसको सिलेक्ट किए हुए, क्योंकि इसमें कोई सिलेक्शन नहीं आएगा। तो इस तरह से लेयर्स में आप चीजों को अलग अलग जब क्रिएट करते हैं और उन पे रखते हैं तो आपको एक आसानी हो जाती है कि आप ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके मैनेज कर सकते हैं, और कहीं पे कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट बनाने तो उसमें आपको प्रॉब्लम भी नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कोई चीज क्रिएट करने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने एक नई लेयर ली और यहाँ से हमने बनाया इस तरह से, और इसको थोड़ा सा हम तिरछा करके बना लेते हैं, यहाँ से हमने क्लिक किया और क्लिक करके इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट नीचे कर दिया, और यहाँ से क्लिक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट उसको यहाँ से नीचे कर दिया। तो ये एक इस तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने एक शेड अप्लाई कर दिया इसके ऊपर इस तरह का, और ये इस लेयर में मौजूद है, इसको हम नाम रख देते हैं मेन। उसको रखने के बाद हमने कर दिया लॉक। अब इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसको क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसके ऊपर हमने यहाँ से इसको कुछ ऐसे लाइट और ग्रे कलर के इफेक्ट्स दे देते हैं, और उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करके बड़े आराम से अब आप इसको यहाँ से पकड़ के एक मूव टूल से लेके, अब आप उसके साथ क्लिक भी कर रहे हैं तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो इसके ऊपर काम कर रहा है, और यहाँ से इसको आप सेंटर पे लिया, और यहाँ से आपने इसको क्लिक किया और यहाँ से इसको लिया सेंटर पे लिया। ठीक है, अच्छा अब ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, ये बिल्कुल सही क्रिएट हो गया। अब आपने क्या करना है, इसी तरह से एक आपने नीचे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसको आपने लॉक कर दिया, नई लेयर ऐड करें और उस पर काम करना शुरू कर दिया। इसका नाम आप रख ले लेफ्ट बार रख देते हैं इसका नाम, ठीक है, और उसको क्लिक करके अब आपने एक नया नीचे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे इस तरह से क्रिएट कर लिया। और इसके बाद इसको यहाँ से सिलेक्ट करके तो यहाँ पे आपने इसको ज्वाइन कर दिया इस तरह से, और इसको यहाँ से इसको सब्सक्राइब कर दिया। और इसी तरीके से आपने क्या करना है कि ऊपर का एक फ्रेम बनाना है, तो ऊपर के लिए भी आपने यहाँ से इसको लॉक कर दिया, और अगर लॉक नहीं भी करते, फॉर एग्जांपल आप कॉपी लेना चाह रहे हैं तो यहाँ क्लिक करें और उसको कंट्रोल सी से कॉपी करें, इसको लॉक कर दें। लॉक करने का एक नया लेयर ऐड करें जिसका मैं नाम रखता हूँ बॉटम, और इस पर क्लिक करके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए ऊपर वाली लेयर पर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करके आप क्या करें, इसको यहाँ रख दो, ठीक है, और उसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, और उसको भी यहाँ से कुछ इस तरह कर सकते इस तरह से, और इसके इस साइड पर हल्का सा एक नई लेयर ऐड करिए तो हल्का सा ये क्रिएट हो गया जिसमें ये छुप जाएगा। अब इस पर कौन सा है, बॉटम पे क्लिक कर देते हैं, यहां से मैं यहां क्लिक किया, इसको भी यहां पे थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक इस तरह का फ्रेम हम क्रिएट कर लेते हैं। अब इस पे आपने जिनको भी अनलॉक करना है उन पे क्लिक करके, जैसे कि इसमें डार्क इफेक्ट या लाइट इफेक्ट देना है, किसको डार्क रखना है किसी को लाइट रखना है, तो वो यहां से आप इजीली कर सकते हैं थोड़ा सा डार्क, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आप लेयर्स की मदद से मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पे काम करके उनको इजीली मैनेज किया जा सकता है, और ये अब आपको इस तरह का व्यू लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा। कोई भी फोटो लाके आप इसके अंदर लगा सकते हैं, फोटो लाने का तरीका बहुत आसान है, प्लेस पे क्लिक करें, जो भी फोटो आपके पास है यहाँ पर से आप देख लें, ये फोटो ले लेते हैं, लेने का दिया क्लिक कर दें, इसको इम्बेड कर दें, इम्बेड करने के बाद ये इसका पार्ट हो गया, जूम आउट करें, इसको शिफ्ट के साथ कम करें और उसको इसको लाके मैनेज करें, और जूम के साथ दोबारा से इसको शिफ्ट के साथ ऑल्ट बटन दबा के जूम करें। इसको एडजस्ट करने का तरीका ये, थोड़ा सा इसके अंदर रखें और थोड़ा सा इसको बाहर रखें, क्लिक
क्लिक करें इस तरह से हो गया। उसके बाद ये देखें ये आया है लेफ्ट बार वाली लेयर के ऊपर, ठीक है। इसके बाद इस फोटो को पूरा का पूरा यहां से कट कर ले, कंट्रोल एक्स करके सेलेक्ट करें, कंट्रोल एक्स करके कट कर ले और इसको एक नीचे लेयर ऐड करा के यहां से ऊपर वाली लेयर एक ऐड करा के इसका नाम रख ले फोटो, ठीक है फोटो, और उस पर रख के आप इसको पेस्ट कर दे, ठीक है। उसके बाद इसको उठा के इजीली इस फ्रेम के अंदर कहीं भी मैनेज कर ले। ओके, ठीक है, इसको करके देखिए।